नमस्कार, एफटी लाइव में इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां जनपद बदायूं के कोतवाली सहसवान में दिल्ली बदायूं हाईवे पर साइकिल सवार दो युवकों को कार ने रौंदा। युवकों की घटना स्थल पर हुई दर्दनाक मौत। भीड़ ने मौके पर पहुंचकर दिल्ली बदायूं हाईवे किया जाम। कोतवाली सहसवान के दिल्ली बदायूं हाईवे पर साइकिल सवारों को कार ने रौंदा, जिसमें दोनों युवाओं की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव खदंक के पास तेज गति से आ रही कार ने दोनों युवकों को रौंद दिया। उपदेश पुत्र नेम सिंह उम्र 18 वर्ष, चंद्रपाल पुत्र कुमार पाल उम्र 19 वर्ष, दोनों युवक सहसवान से मजदूरी करके अपने घर रेलई वापस साइकिल से लौट रहे थे। तभी बदायूं की तरफ से तेज गति से आ रही कार ने दोनों साइकिल सवार युवकों को रौंद दिया, जिसमें दोनों साइकिल सवार युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब यह बात दोनों युवकों के परिजनों को और ग्रामीणों को पता चली तो लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बदायूं हाईवे को जाम लगा दिया, जिसमें कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना को संभालने का प्रयास किया, मगर भीड़ बेकाबू होने के कारण कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को अन्य थाने से पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी और भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगी, मगर भीड़ मौके से हट नहीं पा रही थी, जिससे दोनों तरफ काफी लंबा जाम लग गया। खबर लिखे जाने तक कोई भी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। यूएफटी लाइव के लिए यशवीर सिंह की रिपोर्ट।